माता वैष्णो देवी की प्रतिमा की जो ऊंचाई है 141 फीट है और ये मंदिर लगभग 2003 में शुरू हुआ था और 2010 में जाकर ये मंदिर तैयार हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, आपको एक गुफा टाइप नज़र आ रही होगी, लेकिन दोस्तों ये जो गुफा है बहुत ही बेहतरीन गुफा है और यहाँ पर शायद आपने नहीं देखा है, जिसने देख लिया होगा बहुत अच्छी बात है, वो भी आप दोबारा देखिए। और अगर जिसने नहीं देखा है इस वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और मैं आपको बता दूँ, मैं अभी उत्तर प्रदेश मथुरा के अंदर हूँ, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी का एक सबसे बड़ा फेमस मंदिर बना हुआ है। और मैं उस वैष्णो देवी मंदिर के जस्ट जो मूर्ति है माँ वैष्णो देवी की, उसके सामने खड़ा हूँ। और आप मेरे पीछे की तरफ आप अगर दृश्य देखेंगे, तो आप पीछे की तरफ देखेंगे तो माँ वैष्णो देवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बने रहे आप हमारे इस वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। माता वैष्णो देवी का नाम आते ही सभी का ध्यान जम्मू कश्मीर कटरा माँ वैष्णो देवी की तरफ चला जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे भव्य मंदिर और एक ज़बरदस्त प्रतिमा आपको माँ वैष्णो देवी की दिखाने जा रहा हूँ। और यह मैं आपको बता दूँ, मथुरा वृंदावन में स्थित है और माता वैष्णो देवी की जो प्रतिमा है लगभग 141 फीट ऊँची है। और ये जो मंदिर है 2003 में बनना शुरू हुआ था और 2010 में जाकर ये मंदिर पूरा बन पाया है। दोस्तों अगर आप वीडियो पर आए गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और बेहतरीन मंदिर है। मैं आपको बता दूं, आपका जो समय है बिल्कुल भी यहाँ पर ख़राब नहीं होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस मंदिर में देखने को मिलेगी। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ में। और दोस्तों माता वैष्णो देवी की जो प्रतिमा है लगभग 141 फीट ऊंची हाइट की, जो अपने जोलिम्बा बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज है। और दोस्तों ये जो मंदिर है लगभग 11 एकड़ में बना हुआ है। इसमें देवी मंदिर और दर्शन गुफा बनी हुई है, जहां पर आपको बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और गुफा के अंदर एक से एक वहां पर माँ वैष्णो देवी की और भगवान की आपको प्रतिमा देखने को मिलती है। अगर आप कभी यहां पर आते हैं तो ज़रूर यहां माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर ज़रूर जाइए। और इस मंदिर में माता के नौ रूपों को बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। दोस्तों जब शाम के समय लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो
लगभग जब धनास्त हो जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर जो लाइटिंग होती है इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग होती है, और लाइट आप जिस तरफ आप देखोगे तो लाइट की व्यवस्था लगाई हुई रहती है इधर। और यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो दृश्य है अभी कुछ अलग लग रहा है, और रात के समय यहाँ का जो नज़ारा है, जो दृश्य है, उस आप सोच नहीं सकते हो इतना बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा आपको सामने की तरफ बनी हुई दिखाई दे रही है, उसके जस्ट हम अब नीचे अंदर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे जो मंदिर का जो नज़ारा है वो कितना बेहतरीन दिखाई देता है। और अंदर रियल में आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि हम मंदिर के अंदर है। देख पा रहे हैं हम जो प्रतिमा है माँ वैष्णो देवी की, उसके जस्ट नीचे ये मंदिर बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर अनेक मूर्तियाँ और प्रतिमा अलग अलग आपको अलग अलग रूप में आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर काफ़ी लोग अंदर प्रवेश करते ही अपने जितने भी कैमरा मोबाइल है वो सब निकाल लेते हैं। वैसे इस मंदिर के अंदर मैं आपको बता दूं, लगभग मोबाइल के अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है, और आप अगर लेकर चले जाते हैं और पकड़ जाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, आपका जो कैमरा है, वो यहाँ पर जब्त हो सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, और यहाँ पर सिर्फ मोबाइल ही अलाउड है, और मोबाइल से आप अच्छी तरह से यहाँ पर वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह बना सकते हो। और आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगता नहीं है कि हम कहीं मतलब मंदिर में हैं या कहां पर है, ऐसा महसूस नहीं होता है। और आप देखेंगे कितना यहां पर शांत वातावरण है और कितना ज़बरदस्त यहां पर दृश्य देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी हम जहां पर माँ वैष्णो देवी की जो प्रतिमा है 141 फीट की हाइट पे, उसके जस्ट हम नीचे हैं और गुफा में अभी जाना बाकी है। तो आप हमारी वीडियो के साथ में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, अब प्रवेश करते हैं गुफा के अंदर और गुफा का जो नज़ारा है देखते हैं कैसा रहता है अंदर। आरती जय मां, हे दरबारा वाली।
दोस्तों आपको नीचे की तरफ लगभग पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों गुफा के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम स्वर्ग के अंदर घूम रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन है। और आप जिस तरफ आप देखेंगे तो जहाँ पर भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी उसके जस्ट पास में ही आपको एक LCD के रूप में दिखाई देगा। और वहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, कौन सी भगवान की प्रतिमा है और कौन सी प्रतिमा इसमें दर्शाई गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं बाहर का जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।